राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे और भी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और टाइम है सुबह 6 बजे का और मैं बना लग रही हूँ खाना, क्योंकि अजय ने जाना है ड्यूटी पर, बच्चे ने जाना है स्कूल में, और दोनों का है ना एक ही टाइम है, तीनों का, सॉरी एरिया को भूल गई थी मैं, तीनों का एक का टाइम है। और तड़के तड़के 1 घंटा दिन सोच लो को सुती रेल बन जा है, क्योंकि सारा काम कंप्लीट करना पड़े। 3वां के तो लंच बॉक्स तैयार करने पड़े हैं, और 3वां तो किसी तो दूध पियाना, किसी तो रोटी खवानी, तिन्नी वो काम चले जा। और यार सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई थी, मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी जो मैंने इसमें लिकाट दी है डोंगे में, क्योंकि मैं एलुमिनियम के बर्तन में खाना नहीं रखा करूँ। क्यों नहीं रखा करूँ, कभी भी किसी भी बुक में देख लियो कि एलुमिनियम हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल मतलब हमारी सब्जी के पोषण तत्व ख़त्म कर देता है। इसीलिए जब मतलब अंग्रेजों का टाइम था, हमारा देश जिस टाइम गुलाम था, उस टाइम अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को जब बंदी बनाया हुआ था, तो उनको जो बंदी थे जिनको कैद में रखा हुआ था ना, तो उनको बीमार करने के लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग किया था, उसमें खाना बना कर वह हमारे उन भारतीयों को दिया करते। तो इसलिए मतलब ये भी हर एक किचन में सब की रसोईया में ये धरी हैं, पर इनका प्रयोग करो तो इतना ही करो कि इन मतलब बनाते तुरंत ले काट दो। मैं बहुत कम यूज़ करा करूँ, पर करने पड़ा करें तो जिस तक कि मैं तो अपनी लोह की कढ़ाई में खाना बनाना ज़्यादा वो करा करूँ, मतलब सब्जी जो भी बनानी हो तो लोह की कढ़ाई है मेरे पास छोटी सी, तो उसमें बना लिया करूँ मैं सब्जी तकरीबन। तो यहाँ मैं फटाफट क्योंकि कति लेट होने लग रहा था, साढ़े साढ़ रोटी बनाने लग रही थी। और भाई एक और बात कहना चाहूँगी कि जो लेडीज़ होती है ना, तकरीबन जो खाना बनावे हैं, वह हमारी जो मतलब रसोई की जो मतलब अन्नपूर्णा होया करें, और जो ये अन्नपूर्णा हो ना, इससे के हाथ में सब कुछ होया करें, सारी कुनबे की सोच इसके हाथ में हो है। कभी भी हमारे मतलब जो बड़े बूढ़े हैं इनके पास बैठ कर कभी सुनना, सोचना, देखना, बहुत वो जो बात रेयर सी बताऊँगे ना, जो एक इम्पोर्टेंट बात वह लोग बताऊँगे तो वह बहुत ही अच्छी बताऊँगे। के बात बताऊँगे कि जैसी सोच रखोगे ना, जैसा सोच रख के खाना बनाओगे तो खाने वाले की भी सोच वैसी हो जाएगी। कभी भी मतलब गुस्से में खाना बना के देखियो, काम बिगड़े बिगड़े, मतलब लड़ाई भी होगी पूरे कुनबे के ला, और वो खाना भी मतलब किसा ही नहीं बनाएगा, ना उस सब्जी में कोई टेस्ट होगा, ना उन रोटियों में कोई स्वाद आओगा। हाँ, जिस दिन तुम एक अच्छी सोच, एक बढ़िया सोच से खाना बनाओगे, तो जो खाना वाला है वो भी, उसमें भी एक एनर्जी आओगी, उसकी भी सोच सुधरेगी। जो सोच जिस सोचते तुमने खाना बनाया ना, वह सोच सीधे उसके दिमाग में जाओगी, कभी भी करके देखना। और मतलब पूरे कुनबे की सोच बदलती चली जाए, एक डरी डरी सहमी सहमी, जिस घर में घड़ी लड़ाई होती हो, झगड़ा होता हो, उस घर की अन्नपूर्णा की है भाई, या तो सच्चाई की दिमाग में टेंशन तरह आएगी, लेकिन खाना उसी सोच से बन रहा है तो वह चीज़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, उसके साथ शोषण बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर वही लेडीज उस खाने को एक अच्छी सोच के साथ बनाना शुरू कर देना, तो उन इंसानों की सोच अपने आप ऑटोमेटिक बदलती चली जाएगी। ये कभी सोचना या फिर देखना, मैंने तो ये चीज़ देखी है रियली में, मैंने खुद पविया जमा कर देखी यह चीज़। जिस सोच का खाना बनाओगे वही सोच अगले बंदे की हो जाएगी, खाने वाले की हो जाएगी। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए, अजय के लिए, बच्चों के लिए तो दूध पहले बना के दे दिया था, और यहाँ मैंने अजय मतलब अपने लस्सी में नमक और छान कर लिया कर, ये वैसे नहीं पियेंगे, तो इसलिए मैंने अब इनकी सब्जी डाल दी थी, और नमक नहीं रह रहा था डिब्बे में, तो फिर मैंने देखा ये डिब्बा तो कोनी गंदा सा हो रहा है, फिर मैंने एक तरफ रख दिया था, और दूसरा जो साफ कर रख रखा था मांस धोकर, उस डिब्बे में मैंने दूसरे में नमक डाल दिया था। मैं एक डिब्बे में कभी भी नमक नहीं रखा करूँ कि वो नमक का बना दिया, नहीं, वो डिब्बा फिर प्रॉपर ख़राब होता चला जाए। तो मैं जब यूँ देखा करूँ कि इस डिब्बे में 2 बार नमक रख लिया, तो 3री बार उसने चेंज कर दिया करूँ, वो ज़रूरी है, उससे उस डिब्बे में मतलब ठीक रहेगा, वो डिब्बा ख़राब नहीं होगा। और भाई आज का व्लॉग थोड़ा लंबा ही हो जाएगा, और ये अजय खाना खाने लगे थे और बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और बच्चे मैंने तैयार कर रखे थे, क्योंकि
क्योंकि बच्चों का कि अभी है ना स्कूल की ड्रेस नहीं आई है, हम लेके नहीं आए हैं, तो हम सोच रहे सैटरडे तक का वेट, मतलब शनिवार तक का वेट करने लग रहे हैं, और हम फिर इनकी ले आवेंगे ड्रेस, क्योंकि बच्चों को साथ लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हमने नेप लेकर जब देवेंगे। और यहाँ मैं कुछ थोड़े से बर्तन थे मंगा लिया, सड़ सड़ कर करा दूँ बर्तन। और रिया मेरे तब बोलने लग रही थी, मम्मी ये काम वो काम, माँ ठीक है रुक जा बेटा, मैं एक बार थोड़े से बर्तन ये कर करा दूँ, फिर रसोई कंप्लीट हो जाओगी, और फिर जो काम बाहर का है ना, जैसे कुछ कपड़े थे सोफे के कवर रह गए थे कल, और बेड शीट रह गई थी दूसरे बेड की, उस दिन दूसरे बेड की तो मैंने साफ कर दी, धो दी थी। फिर मैंने सोची मंगाया पहला ही रसोई का निमट जाएगा ना, फिर साथ साथ पोचा भी लाग जाएगा, और मशीन में काल आला सर्फ रह रहा है, तो मंगा उस सर्फ में ना गंदा नहीं रखा था वो ज़्यादा, क्योंकि पहनने के कपड़े इतने हुए, एक एक थोड़ी थोड़ी आन पहरे जहाँ हैं तो वह थे, तो मंगा वो सर्फ में डाल दूँगी कपड़े ने सोफे के कवर और बेड शीट ने, तो वह भी साथ में आज धो जाएंगे। मैं तकरीबन सोफे के कवर 25 दिन में धो दिया करूँ, 20-25 दिन में, क्योंकि डस्टिंग ही मतलब धूल माटी इतनी उठन लग रही जिसकी कोई हद नहीं। तूड़े का टाइम चल रहा है, जो कर भाई लमड़िया का टाइम है, तो इतनी डस्टिंग आओ उड़ उड़ के कि डस्टिंग भी रोज़ कर ले, रोज़ साफ़ सफाई पूछा झाड़ी रोज़ चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा मखा लाज दिन के सोफे के कवर भी धो दूँ, जो कि मैं देखो बिछा तई भी ये किस टाइम ये, तो ये 11 बज रहे हैं जब मैं वो लोग तैयार करने लग रही हूँ रात के, और जब ये भी मतलब तैयार नहीं हुआ ये मेरा खाना, और ये टाइम हो गया शाम का, और दिन में बनाया था नाटक, और नाटक की क्लिप है जो ब्लॉग है वो गुड्डी वाले चैनल पे है, आप वहाँ देखिए, और भाई नाटक बन के आ चुका है देसी जाट नहीं पे उड़ जा कर देख लो। और यार शाम का टाइम है, रही मैं करवा लग रही थी बच्चा का होमवर्क साथ साथ, और साथ साथ करूँगी प्रेस, और बच्चों के कपड़े की करूँगी तय वह अलग निकाल दिए हैं, और इन सच में है ना प्रेस करते हुए बहुत परेशान कर दिया था, मान नहीं रहे थे, मतलब लिखना थी रहा तो फिर थोड़ा सा दमका दमकू कर उनका दौरे बिठा के, डर भी लगा था हम कहते प्रेस का हाथ लगा दे भी बच्चे हैं जड़ जड़ जा, तो एक तरफ प्रेस में भी ध्यान रखा, दूसरी तरफ इनके काम में भी ध्यान रखा, तो यहाँ मैं जो बिना प्रेस के कपड़े हैं और प्रेस के वह अलग करने लग रही थी, तो मैं कहा जल्दी जल्दी कर दूँ, कई दिन हो गए हैं, दो चेयरा पर कपड़े पड़े हैं, टाइम में नहीं लग गया था, तो आज मैं कहा ना स्पेशल जब बच्चा था बैठूँ ना ये काम तो उतना ही टाइम में लेना है, फिर मैं कहा कि इन धोरा बिठा कर जब करवाऊँगी गिला गिल काम ये भी कर लेंगे, गिला गिल मेरा काम भी हो जाएगा। और भाई आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई जो चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करे बगैर मत जाया करो, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और भाई वीडियो ने जितना उसके शेयर कर दिया करो। और भाई एक का कमेंट आ रहा था कि मैंने इंस्टा पर रील डाली थी एक कि मतलब वहाँ तो वॉइस पे ही बनाई जा कर ऑडियो यूज़ करी जा कर, तो उसमें था कि मतलब ज़िंदगी मेरी भड़क दुनिया को रही है, लाइफ मेरी कि भड़क दुनिया को रही है, तो उस पर एक कमेंट आया कि आपकी फैमिली आप के कौन पे आला का फालतू हो रही है, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि जिसका भड़क है वो शामिया का बोलो, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ मेरी है, फैमिली मेरी है, और जो जड़ें हैं उन तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो ब्लैक ब्लैक इंसान है जो मतलब जिनने कोई नॉलेज ही नहीं है कि बंदा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, उन तक मैं दूर रहना पसंद करा करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जल रहा है या भाई कोई खुश है, खुश है क्योंकि गलत करूँगी मैं अपने लिए करूँगी, अच्छा करूँगी मैं अपने लिए करूँगी। और कपड़ा क्या है भाई मैंने प्रेस कर दी थी और कुछ रह गए थे तय के कपड़े, वो बाद में करूँगी, तो व्लॉग कैसा लगा?